नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSC नोट्स में। तो कैसी है MS आर्मी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और आज का जो हमारा सेशंस है वो होगा 16वां नंबर, जो हमारा सेट है 16 नंबर, जो 30-30 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और आज का भी जो हमारा टारगेट है वो 27 क्वेश्चन सही करने का है, यानी गलतियाँ कितनी हैं? 3। ठीक है, तो 3 गलतियाँ करने का सिर्फ चांस है। तो सभी लोग तैयार हैं, कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि सब कुछ क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, वेलकम है सभी का। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि किस वाक्य में या जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसको क्या कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि साफ साफ कि जहाँ पर केवल कर्ता पर प्रभाव पड़े। तो मैंने आपको बताया है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी क्रिया जिस पर केवल कर्ता का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, मतलब भाववाचक से आपका क्रियापद बनाना है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल एकदम सही दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है सभी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर रहे हैं। लिखावट, लिखावट आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। लिखावट से क्या बना? लिखना। लिखना आपकी क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखिएगा, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? तीसरा प्रश्न देखिएगा, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं का मतलब किसका? मतलब प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े। तो रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखिए, रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, इसमें सारा का सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रणधीर यानी कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? चार ऑप्शंस दिख रहा है, जल्दी बताइएगा किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। तो जो क्रिया के भेद नहीं होते हैं, अगर संरचना की दृष्टि से बात करेंगे तो सकर्मक क्रिया के भेद नहीं है। बाकी देखिए, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया, लेकिन आपका अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो है वो संरचना की दृष्टि से नहीं होती है। आगे देखिएगा, गोविंद ने राम को जगाया कौन सी क्रिया है? देखिए, गोविंद क्या कर रहा है? राम को जगा रहा है, यानी वो उसको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का हो कि एक जो है वो दूसरे को प्रभावित करेगा तो वहाँ पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। आप सब बहुत सही आंसर दे रहे हैं। आगे चलते हैं 6वें नंबर पर, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताना है। और ज़्यादा गति तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी आराम से आपको एक्सप्लेन करते हुए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा गति रहेगी भी तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हम लोग को फास्ट करना भी चाहिए। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक इनमें से कौन सा है? पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलता है, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। बिल्कुल ये वाला देखिएगा, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर नौकर है और रस्सी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कर्म भी है, यहाँ पर नौकर आपका कर्ता, रस्सी आपकी कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपका सकर्मक क्रिया हो गया। आगे देखिएगा, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? अगर बेसिक देखेंगे तो क्रिया के आपके 2 प्रकार की आपकी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिएगा, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से देखिए और पढ़िए और बताइए किसमें आपको अकर्मक क्रिया नहीं लग रही, यानी वहाँ पर सकर्मक क्रिया लग रही है। पढ़ लिए सारे ऑप्शंस? वेरी गुड, जल्दी बताइएगा आंसर क्या आएगा। इसमें आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, तो वह तो है ही, साथ में उसका सिर, यहाँ पर 2 चीज़ें मिल गई, वह मिल गया और सिर मिल गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। आगे देखिएगा, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप लोगों को पता है कि अकर्मक क्रिया के आपके कितने भेद होते हैं? तो अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक, आगे चलिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइएगा कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है। हाँ, बहुत जगह आपको 4 मिल जाएगा, बहुत जगह आपको 2 मिल जाएगा। 4 क्यों मिलेगा? 4 अगर बात करेंगे, 4 तब होगा जब, जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपका उनके सब भी ले लिया, यानी उनके भी भेद अगर जोड़ लिया जाए, जैसे आप लोग जानते हैं कि अकर्मक क्रिया की 3 हो गया, सकर्मक क्रिया, ऐसे करके जोड़ के आपका 4, और वैसे बेसिक में देखेंगे तो 2। वैसे कई जगह एग्जाम्स में जो आया है वहाँ पर 4 आपका सही माना गया है, तो आप भी 4 ही सही करके आइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताइएगा।
उसे क्या पता, जिसे कभी कष्ट ना हुआ हो। तो उसे और जिसे, ये क्या है आपका एक जो है, यहाँ पर एक बार समझिएगा, जहाँ पर ऐसा लगे कि मिश्र वाक्य जैसा कोई भी वाक्य है तो वहाँ याद रखना है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सिंपल सा याद करने का तरीका। 12वीं में आते हैं, घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। घंटी बजी कोई आया, या घंटी बजी है कोई आया है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा कोई शब्द आ गया, यहाँ पर कोई, जहाँ पर कोई दिख गया तो कोई से हमको क्या समझ में आता है कि वो चीज़ हमारी निश्चित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और बाकी आप लोग जानते हैं कि मैं तो आप लोगों से कभी कुछ मांगता नहीं हूँ। ठीक है, कम्प्लीटली हम लोगों का यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और लगभग 3 साल से लगातार हम लोग की कोशिश चल रही है, और लगभग हमारे साथ आप लोग को पता है कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम लोग का होने वाला है। मैंने आज तक आप लोगों से मांगा भी होगा तो सिर्फ एक चीज़ मांगी होगी कि आप लोग लाइक कर दो। ठीक है, अभी भी वही कहूँगा, लाइक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, प्यार से। चलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जल्दी बताइएगा। सभी को बताया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी अनाप शनाप। ठीक है, क्या बताई थी, अनाप शनाप, याद करने का एक ट्रिक बता दिया था। अ से अनिश्चयवाचक, न से निजवाचक, प से पुरुषवाचक, फिर स से संबंधवाचक, फिर न से, हाँ बिल्कुल, फिर आपका प से क्या हो गया, प्रश्नवाचक। चलिए आगे देखिएगा, 14वें नंबर पर, किस क्रम में प्रश्नवाचक निश्चयवाचक था दूसरा वाला ना, जो अगर हाँ कुछ लोग कहेंगे वाला ना छोड़ दिया, निश्चयवाचक, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, क्या, तुम, तो तुम हमारा कैसा है, ये हमारा कौन सा है, ये पुरुषवाचक है। ठीक है, कैसा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। 15वें में आते हैं, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। बिल्कुल करेक्ट है, अनिश्चय। कौन सा है, यह अच्छा है वह नहीं, ये आपका निश्चित हो गया। आप क्या कर रहे हैं, ये भी है। यहाँ पर जो सोएगा वो खोएगा, मैं स्वयं आ जाऊँगा, तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, जो सोएगा वह खोएगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, जो सोएगा उसी की बात कर रहा है, यहाँ मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन है, लेकिन यहाँ पर निश्चय, इसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, यह लड़का बहुत होशियार है, तो यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है, यह लड़का बहुत होशियार है। होशियार क्या होती है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी बताएंगे तो यहाँ पर विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 17वें पे आते हैं, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है इनमें से किस शब्द में विशेषण है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें विशेषण किस भाग में है। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ईमानदार शब्द आपका क्या है, एक विशेषण है, वो भी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आप लोगों का। 18वें में जल्दी बताइएगा, गर्भ दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है जल्दी बताइएगा। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है। देखिए यहाँ पर दूध कैसा है, गर्म है, ये उसकी क्या है, गुण है, उसका क्वालिटी है, तो इसलिए हम इसमें भी क्या कहेंगे, कौन सा विशेषण है आपका, गुणवाचक विशेषण, आपका ऑप्शन नंबर 1। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, यहाँ पर थोड़ा की बात है, तो थोड़ा मतलब क्या, ये मात्रा की बात कर रहा है, तो मात्रा जब भी होगा तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होगा जल्दी बताइएगा। मैं विशेषण का प्रकार पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और था कि यहाँ पर विशेषण को, यहाँ पर थोड़ा तो मैंने बता दिया है, कौन सा विशेषण होगा ये कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल एकदम सही बोला आप लोगों ने, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं, इनमें बताना है विशेषण कौन सा है, कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेषण है ये बताइएगा। ठीक है, चूज कर लिया, वेरी गुड, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा। मैं अब मुझसे मत कहिएगा मैं समय कम देता हूँ, भाई मैं पर्याप्त समय देता हूँ जितने में आप लोग आराम से आंसर बता सके। ऐसा कभी लगता है आप लोगों को कि मैं ज़्यादा तेज चलता हूँ, मतलब अभी फिलहाल आगे की मैं बात नहीं करूँगा कि कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बहुत तेज चल रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एवरेज में चल रहा हूँ। ठीक है, तो परिश्रमी आपका क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखिएगा, त वर्ग का उच्चारण स्थान, त थ द ध न, तो त कहाँ से बोला जाता है, एक बार बोल के देखिए,
क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से आंसर देते हो, तुरंत कमेंट करी है, ठीक है। तो त वर्ग का क्या हो गया, दंत, दांत से, त थ द ध न, देखिए दांत पे टच करके जाती है आवाज। चलिए 22वें में आते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान, प बोलिएगा, बोलिएगा जो हिस्सा टच किया समझ लीजिए वही है। तो प बोली, प फ ब भ, तो प आपका कहाँ है, ओठों से, तो आपका क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। च वर्ग का उच्चारण स्थान जल्दी बताइएगा, च, तो च कहाँ से आता है, च आपका आ गया कंठ के बाद, क्या आता है, तालव्य, तो आपका इसको कहते हैं तालु, तो आपका क्या है, तालव्य का है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, कई वर्ण जब एक साथ मिल जाते हैं, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क ख ग घ ङ ा छ छ झ ञ ा छ छ ड़ा ऐसे, इसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षत्रज्ञ वर्णमाला, ठीक है। आते हैं 25वें पे, क्षत्रज्ञ, देखिए नाम लिया और देखिए हाजिर हो गया, क्षत्रज्ञ तीनों में कौन सा व्यंजन है, अच्छा तीनों हैं, ये तीनों को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, ये सब संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा व्यंजन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, तो याद रखना है। पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक मतलब यहाँ का है, बाहर का है, अंदर का है, ठीक है, तो पुस्तक संस्कृत का शब्द माना जाता है, आप लोग जानते हो पुस्तक है ना, पुस्तक आपका संस्कृत में है, तो ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक। आगे देखिएगा, आग कौन सा शब्द है, आग, आग जानते हैं आप लोग, बोलते भी होंगे आग, अग्नि को बोला जाता है आग, तो अग्नि को आग बोला जाता है, अग्नि हो गया उसकी तत्सम और तद्भव हो गया आग, तो आपका ऑप्शन नंबर दो। आते हैं 28 पे, पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी, तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, वसुधरा है, वसुंधरा, ठीक है, तो ये हमारी तद्भव शब्द के अंतर्गत पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को तद्भव शब्द माना जाता है या तत्सम माना जाएगा, यहाँ मैंने तद्भव मतलब ठीक अच्छा तद्भव पे कर दिया, तत्सम माना जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी आप लोगों ने अगर शांति पाठ सुना हो, रापर शांति पृथ्वी ही शांति, है ना, पृथ्वी ही शांति याद आया, तो वो किस में है, संस्कृत में है, तो ये आपका पृथ्वी कैसा शब्द है, आपका बिल्कुल तत्सम शब्द। 29 में टेबल कौन सा शब्द है, और लाइक तो किया नहीं होगा आप लोगों ने, मतलब हाँ हाँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात कर रहा, आप कहिए उन सबसे कहिए, ठीक है, और आप सबसे मैं सपोर्ट मांगता हूँ कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ डालता हूँ, अभी देखिए 16वीं सीरीज़ चल रही है, रेगुलर हम लोग क्वेश्चन छांट के ले आते हैं, आप लोग से प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये सबसे बुरी आदत है, शेयर कर दिया करिए, ठीक है, थोड़ी सी कृपा कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। अब जैसे अगर 10,000 लोग देख रहे हैं, अगर 10,000 में अगर 100 लोग भी अगर आप लोग शेयर कर दो, मतलब 100 लोग ऐसे हो जाओ जो शेयर कर दो, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। टेबल आपका विदेशी शब्द है, आप लोग को पता है इंग्लिश में बोला जाता है। 30वें में आते हैं, नाक कौन सा शब्द है, नाक, तो आप लोग को पता है कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, योग, रूढ़, रूढ़, तो नाक जो है आपका वो आपकी कैसी शब्द है, रूढ़ शब्द है, कैसा है, रूढ़ शब्द है। ऐसे ही MS आर्मी का हिस्सा है आप लोग, जितने MS आर्मी हैं उन सबको आपको बताऊँ, आप सब यू आर द मेम्बर ऑफ MS आर्मी, यू हैव टू शेयर आवर वीडियोस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है, और आप लोगों को तो हमसे हर जगह जुड़ना चाहिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह से जुड़ना चाहिए। और कल मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने डाला था पोस्ट, आप लोगों ने जितने लोगों ने कमेंट किया था MS आर्मी करके, IM MS आर्मी, आप लोगों ने अपना अपना नाम देखा, किसका किसका नाम आया था कमेंट करिएगा, कौन कौन देखा था इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट डाला हुआ था, आप लोगों का नाम आया था नहीं आया था। और मैं सोच रहा हूँ कि कल आपके लिए इंस्टाग्राम पर लाइव होता हूँ, यानी कल की डेट है 3 मई 2020, मैं डेट इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अगर ये वीडियो बाद में कोई देखे तो ये ना कहे कि कल का मतलब कल, ठीक है। तो 3 मई 2020 को शाम 4 बजे वी विल बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, 4 PM शाम 4 बजे, टाइम ओके है 4 बजे का शाम को, धन्यवाद। तो कल शाम 4 बजे यानी 3 मई 2020 को शाम 4 बजे हम इंस्टाग्राम पर आप लोगों के साथ लाइव आएंगे, और भी कोशिश करेंगे बाय फेस टू फेस भी कुछ लोगों से लोग चर्चा करेंगे जहां पे ज़रूरी होगा। और अगर कोई कुछ भी क्रिएटिव करना चाहे, मतलब जो अगर ये किसी के पास कुछ भी क्रिएटिव हो, मतलब कोई गाना सुनाना चाहे, कोई कुछ भी करना चाहे,
मतलब कोई शायरी सुनाना चाहे तो वो हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ेगा, हम लोग उसको डायरेक्टली लाइव लेंगे और आप सब ज़रूर सुनाइएगा, ठीक है? तो डन, कल मिलेंगे 4 बजे शाम को, पक्का? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करूँ ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, यानी कल शाम को 4 बजे मिलेंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी कैसी है? तो इंस्टाग्राम आईडी है MS SSC Notes, आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करेंगे? MS SSC Notes, यू कैन सर्च, और आप सब हमें वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर करिएगा, हम लोग लाइव लेंगे शाम को 4 बजे। MS SSC Notes सर्च करिएगा, ठीक है? थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।